नमस्कार, मैं मानसी, आप देख रहे हैं i24 न्यूज़। i24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। सिनेमा के बाहुबली प्रभास का जन्मदिन है। प्रभास आज अपना 23वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। फैंस ने उनके जन्मदिन को भी बाहुबली अंदाज में सेलिब्रेट करने में कसर नहीं छोड़ी। इससे भी बड़ी बात यह है कि प्रभास के जन्मदिन पर ही उनकी आने वाली फिल्म साहू का फर्स्ट लुक भी जारी हो गया है। आइए देखते हैं i24 न्यूज़ की खास रिपोर्ट। तमिल और तेलुगु फिल्मों के अभिनेता प्रभास की लोकप्रियता पहले भी थी, लेकिन बाहुबली 2 की रिलीजिंग के बाद ये एक्टर रातों रात सुपरस्टार बन गया। देश दुनिया में प्रभास की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी और उनकी डिमांड भी। हालांकि 5 साल से ज्यादा का वक्त बाहुबली प्रोजेक्ट को देने वाले प्रभास ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि किस वक्त कौन सी चीज को पिक करना है। आज प्रभास का जन्मदिन है और उनके बर्थडे के मौके पर हम आपको बता रहे हैं प्रभास की प्रोजेक्टिंग। प्रभास के जन्मदिन के मौके पर उन्होंने अपनी अगली फिल्म साहो का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया है, जो कि उनके फैंस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। लेकिन उनकी अगली फिल्म की रिलीज से पहले क्या आप ये बात जानते हैं कि बाहुबली 1 और बाहुबली 2 की शूटिंग के बीच के प्रभास ने तकरीबन 5 साल तक कोई भी प्रोजेक्ट नहीं किया था, सिर्फ इसीलिए ताकि वो सिर्फ एक ही काम पर फोकस कर सकें। बाहुबली 2 के रिलीजिंग के बाद प्रभास के लिए विज्ञापन दाताओं की लाइन लग गई थी। फिटनेस से लेकर FMCG और ब्यूटी प्रोडक्ट्स तक बेचने वाली तमाम कंपनियों ने प्रभास के घर के चक्कर लगाना शुरू कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक प्रभास ने इसी क्रम में 18 करोड़ की डील ठुकरा दी थी। प्रभास के तमाम फैंस ये चाहते हैं कि वो किसी हिंदी फिल्म में नजर आए, लेकिन बहुत कम ही लोग इस तथ्य से वाकिफ हैं कि प्रभास ने अजय देवगन की फिल्म एक्शन जैक्शन में कैमियो रोल भी किया था। लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम आप तक पहुंचा सकें पहचान सच्चाई की। इसी के साथ मैं हिमांशी उपाध्याय, i24 न्यूज़।